विश्वास और घमंड में बहुत कम फर्क है। मैं कर सकता हूं, ये मेरा विश्वास है। सिर्फ मैं ही कर सकता हूं, ये मेरा घमंड। विश्वास की हमें जरूरत है, इसे अपने पास रखिए। और घमंड अगर ऑफिस के दरवाजे के बाहर छोड़कर आएंगे तो मेहरबानी। क्यों इस फिल्म से बदल जाएगा रणबीर कपूर का कभी संजय लीला भंसाली के साथ काम ना करने का डिसीजन? क्या रणबीर और रणबीर एक साथ आएंगे नजर फिल्म में? जानेंगे इन तमाम सवालों के जवाब दोस्तों, और कहां बल्कि अपनी आज की इस वीडियो में। सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू टुडेस वीडियो। मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्टोरी। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए एक खास खबर। अगर आप भी सिनेमा से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं इस फील्ड में, हाँ कुछ मेरी ही तरह, तो फटाफट से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, जॉब लिंक पर क्लिक कीजिए और बस सारी अपॉर्चुनिटी के जो द्वार है वो आप लोगों के लिए खुले हैं तहे दिल से। तो चलिए अब बिना किसी देरी के मैं शुरुआत करती हूँ अपनी आज की इस वीडियो के साथ। संजय लीला भंसाली की मोस्ट टॉक्ड एंड द मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट बैजू बावरा आजकल चर्चा का विषय बनी हुई है। संजय लीला भंसाली की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी ने बॉक्स ऑफिस पर जो ताबड़तोड़ कमाई की है, उसके बाद बातें हो रही है कि भंसाली की अब नेक्स्ट फिल्म क्या होगी, जो कि उन्होंने गंगूबाई काठियावाड़ी के रिलीज से पहले ही अनाउंस कर दी थी। जहां एक तरफ बॉलीवुड की एक से एक बढ़कर फिल्म जो है वो मतलब बॉक्स ऑफिस पर पिटती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ भंसाली की गंगूबाई काठियावाड़ी ना सिर्फ ताबड़तोड़ कमाई कर रही थी बल्कि प्रेज्ड भी की जा रही थी। गंगूबाई काठियावाड़ी की सफलता ने साबित कर दिया कि दौर कैसा भी हो, संजय लीला भंसाली के लिए तो मतलब गोल्डन सुनहरा टाइम ही रहेगा। इसके थ्रू उन्होंने बॉलीवुड में अपना लोहा भी साबित कर दिया है दोस्तों। जहां आमिर और सलमान की फिल्में नहीं चल पाई, वहीं संजय लीला भंसाली की फिल्म सुर्खियां बटोर रही थी। अब इसके बाद तो आप समझ ही सकते हैं कि संजय लीला भंसाली की नेक्स्ट फिल्म को लेकर कितनी चर्चा हो रही होगी, वो भी तब जब उन्होंने अपने इस नेक्स्ट प्रोजेक्ट को अपना मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट जो अनाउंस कर दिया है। अब इसके बाद तो यही एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि कुछ खास नहीं, बहुत ज्यादा ही कुछ खास लेकर आने वाले हैं संजय लीला भंसाली। अब जैसा कि आप जानते हैं, उनके नेक्स्ट प्रोजेक्ट का नाम है बैजू बावरा, जो कि उनका ड्रीम प्रोजेक्ट भी है। पर इससे भी ज्यादा इस फिल्म की कास्टिंग आजकल बॉलीवुड के गलियारों में कुछ ज्यादा ही सुर्खियां बटोर रही है। पहले सलमान और ऐश्वर्या, उसके बाद रणबीर और दीपिका, और फिर रणबीर और आलिया। लगातार उस फिल्म की कास्टिंग को लेकर ना आए दिन खबरें आ रही हैं, और अब तो खबरें हैं कि इस फिल्म में हमें रणबीर और रणबीर दोनों ही साथ नजर आएंगे, साथ ही आलिया और दीपिका भी एक साथ हमें इस फिल्म में साथ नजर आ सकती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अब रणबीर सिंह और रणबीर कपूर के बारे में तो आप जानते ही होंगे। रणबीर कपूर दीपिका पादुकोण के एक्स रह चुके हैं। अजय, हाँ थोड़ी उस मैटर में भी बात कर लेते हैं। और उनके ब्रेकअप ने भी काफी सुर्खियां बटोरी थी। ब्रेकअप के बाद तो दीपिका ने रणबीर पर चीट करने का आरोप भी लगा दिया था, और इस ब्रेकअप से दीपिका काफी समय तक डिप्रेस्ड भी थी। भले ही वर्क फ्रंट पे ये दोनों जो हैं साथ अच्छे को एक्टर्स होने की तरह से बिहेव करते हैं, पर क्या होगा जब दीपिका, आलिया, रणबीर और रणबीर एक साथ आएंगे? क्या दीपिका अपने अंदर छुपी ये जो नाराजगी है उसे छुपा पाएंगी? क्या वो वर्क फ्रंट पर अपना माइंड रख पाएंगी कूल, या फिर ऑन स्क्रीन दिखाएंगी रणबीर आलिया पर अपनी भड़ास? ये तो वक्त ही बताएगा कि ये जोड़ियां आगे क्या रंग लाएंगी ऑन स्क्रीन। पर उससे भी ज्यादा चर्चा का विषय है रणबीर कपूर का संजय लीला भंसाली के साथ काम करना। भंसाली ने एक बार पहले भी सांवरिया फिल्म में रणबीर कपूर के साथ काम किया था, साथ ही उन्होंने ब्लैक फिल्म में संजय लीला भंसाली को असिस्ट भी किया था, और उसके बाद से रणबीर कपूर ने फिर कभी संजय लीला भंसाली के साथ कोई भी काम नहीं किया है। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि संजय लीला भंसाली को एकदम मतलब हार्ड टास्क मास्टर तक कह दिया था। उन्होंने बताया था कि काम करने के 11 महीने बाद ही रणबीर कपूर ने घुटने टेक दिए और काम छोड़ दिया। उनके मुताबिक संजय लीला भंसाली के साथ काम करना है काफी ज्यादा मुश्किल। अब ऐसे में रणबीर कपूर संजय लीला भंसाली के इस ऑफर का क्या करेंगे?
ये तो वक्त ही बताएगा। तब तक आप अपने कमेंट्स, अपने व्यूज, अपने ओपिनियंस, अपने प्रेडिक्शंस हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करके शेयर भी कर सकते हैं। और हाँ, एक और छोटा सा काम कर सकते हैं, अरे भाई सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं ताकि हमारी जो लेटेस्ट अपडेट्स है वो आपको मिलती रहे एकदम टाइम टू टाइम। चलिए लेती हूँ आप सभी से विदा, मिलूंगी आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।